हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फनेला स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? वीडियो को देखते हो ना बच्चों? रोजाना की वीडियो आपको रोजाना देख लेने हैं। अच्छा, हम क्यों रोजाना की वीडियो में कुछ नया नया सीखते हैं, है ना? तो बच्चों पहले क्या हमने क्या पढ़ा था? छोटी की मात्रा पढ़ी थी। फिर मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा लिखी हुई थी। तो आपने देखा बच्चों वो बड़ी की मात्रा वाला वीडियो? नहीं देखा तो बच्चों देख लेना, ओके? तो आज हम क्या बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे फिर से, है ना? तो चलो, बड़ी की मात्रा कैसे होती है मैं वो आपको सिखाती हूँ, फिर हम लिखना सीखते हैं बच्चों, ओके? तो देखो बच्चों, कैसे बड़ी की मात्रा कैसे होती है? ऐसे लगती है ये बड़ी की मात्रा, ओके? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? का। तो क्या बन गया ये? की। इसको क्या पढ़ा जाएगा? की, ओके? चलो फिर हम दूसरा वर्ड देखते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? ख। ख के ये बड़ी की मात्रा लगा दी, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? खी। फिर देखो बच्चों ये क्या लिखा गया है, चलो बोलो। ग। ग के बड़ा की मात्रा लगा दी, बड़ी ई, तो क्या बन गया ये? गी, है ना? फिर देखो ये क्या है? घ। घ के बड़ी की मात्रा लगाई तो घी हो गया ना। चलो फिर हम देखते हैं आगे, और ये क्या लिखा मैंने? च। च के बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? ची। फिर ये क्या है? ट। ट के बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो टी। फिर ये क्या है? न। न के बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो नी। इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है। चलो और देखें हम। देखो और क्या होता है? ये मैंने लिखा ब। ब के बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बी। फिर ये क्या है? म। म के बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो मी, है ना? तो बच्चों इस तरीके से बड़ी की मात्रा लगती है। फिर ग के बड़ी की मात्रा लगे तो घी। ह के बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ही। ऐसे ये बड़ी की मात्रा होती है, ओके? चलो अब इसके हम शब्द देखते हैं, कैसे शब्द होते हैं। तो देखो बच्चों, मैं लिखती हूँ ना, ये मैंने क्या लिखा? ये क्या लिखा? च। च के बड़ी की मात्रा लगाई तो ची। फिर मैंने ये लिखा ल। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? ची ल। क्या पढ़ेंगे? ची ल। तो पूरा कैसे पढ़ा जाएगा इसको? चील। चील होता है ना, पक्षी होता है ये, कि आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है बच्चों ये। फिर देखो मैं आगे और दूसरा शब्द लिखती हूँ। मैंने लिखा ये क्या है? ये छ। फिर ये ड। ड के बड़ी की मात्रा लगा दी, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? छड़ी। छड़ी दादाजी की छड़ी होती है ना, वो वाली छड़ी। फिर चलो हम आगे देखते हैं और दूसरा शब्द देखते हैं। फिर देखो भी ये क्या लिखा मैंने? प। प के आ की मात्रा लगाई तो पा। फिर बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया न। न के बड़े की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे नी। तो देखो पा नी। तो पूरा कैसे पढ़ा जाएगा ये? पानी। इसको क्या पढ़ेंगे हम? पानी, जो हम पानी पीते हैं ना, वो वाला पानी। फिर देखो हम दूसरा शब्द लिखती हूँ अब मैं। फिर देखो ये क्या लिखा गया है? रा। र के आ की मात्रा तो रा। अरे फिर से न। न के बड़े की मात्रा तो नी, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? रानी। रानी क्या पढ़ा जाएगा इसको? रानी, ओके? चलो फिर हम देखते हैं। फिर देखो बच्चों मैंने क्या लिखा? न। न न के बड़े की मात्रा तो नी। फिर ये मैंने लिखा ल। ल के बड़े की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? नीली। तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? नीली। नीला कलर की चीज होती है, बोला नीली है ये, तो नीली, ओके? चलो फिर मैं लिखती हूँ आगे। फिर मैंने लिखा ये ग। फिर ये लिखा मैंने ल। ल के बड़े की मात्रा तो ली। ग ली, गली। दो घर के बीच में जगह होती है ना, हमको जाना होता है तो शॉर्टकट होता है ना, हमारे गाँवों में बहुत ज़्यादा होता है, इसको क्या बोलते हैं? गली। भी इस गली में से होके उस गली में निकल जाना है आपको। फिर देखो हम लिखते हैं,
ये मैंने क्या लिखा, घ। फिर बच्चों लिखा ड, ड के जो बड़ी की मात्रा तो डी, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, घड़ी। घड़ी हाथ में देखते हैं, घड़ी बांधने के हाथ की घड़ी होती, दीवार घड़ी होती जिसमें हम क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, तो घड़ी घड़ी। ओके चलो फिर हम आगे और शब्द लिखते हैं। मैं लिखती हूँ बच्चों यहाँ पर, ये मैंने क्या लिखा, भ। भ के बड़ी की मात्रा तो भी म, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, भीम, भीम। क्या पढ़ेंगे इसको हम, भीम। ओके चलो और शब्द देखते हैं अब। फिर देखो बच्चों ये मैंने लिखा न, क, फिर ल के बड़ी की मात्रा तो ली, तो नकली, नकली। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको नकली। क्या पढ़ा जाएगा इसको, नकली। चलो फिर से मैं दूसरा लिखती हूँ, देखना है ना ये क्या लिखा मैंने, आ। अ के आ की मात्रा तो आ, फिर ल, फिर ये क्या है, स। स के बड़ी की मात्रा तो आ ल सी, आलसी। जिसको काम करने में बहुत जोर आता हो, पढ़ने में जोर आता हो ना, वो क्या कहलाता है, आलसी कहलाता है। आप तो नहीं हो ना आलसी, आप तो सब एक्टिव बच्चे हो। फिर चलो देखते हैं अब हम, ये मैंने लिखा म, फिर ये क्या है बच्चों, छ। फिर ये मैंने लिखा ल के बड़े की मात्रा, मछली, मछली। ये क्या है, मछली, पानी में रहती है। गुजराती में क्या बोलते हैं, मछली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिश। ओके फिर चलो हम आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या लिखा मैंने, बोलो ख। ख के ये कौन सी मात्रा लगाई, बोलो चलो, ये छोटी की मात्रा, खी। फिर ये क्या है, ड। फिर ये मैंने लिखा क। क के बड़ी की मात्रा, तो देखो बच्चे इसमें छोटी की बड़ी की दोनों मात्रा, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, तो खी ड की, खिड़की। आपके घर में है ना खिड़की। फिर चलो आगे देखते हैं अब हम चार अक्षर वाला देखते हैं ना। फिर देखो बच्चों ये क्या लिखा गया मैंने, ज। फिर ये क्या है, न। फिर ये वो, फिर र के बड़ी की मात्रा तो क्या पढ़ा जाए, पढ़ेंगे जनवरी, जनवरी। जनवरी का महीना आता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जनवरी बोलते हैं। क्या ये, जनवरी। ओके फिर चलो दूसरा देखते हैं अब हम, ये मैंने क्या लिखा बच्चों, फ, र, व, री। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, फरवरी। जनवरी के आदमी कौन सा महीना आता है, फरवरी का महीना आता है। देखो री र में बड़ी की मात्रा है तो री, फरवरी, फरवरी। ओके बच्चों आपको आए ये, हमने बड़ी की मात्रा वाले शब्द देखे, पढ़े है ना। अब हमारी किताब में जो शब्द है ना वो हम देख लेते हैं। ओके चलो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों ये हमारी किताब में आए हुए शब्द है ना, तो देखो ये क्या है, च। च के बड़ी की मात्रा तो ची, त के आ की मात्रा तो ता, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, चीता, चीता। फिर ये देखो ये रहा चीता, तो च के बड़ी की मात्रा तो ची, त के आ की मात्रा है तो ता। तो चलो कैसे लिखेंगे हम, चलो हम लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो ये मैंने लिखा यहाँ पे च, च के बड़ी की मात्रा तो ची, फिर ये क्या है, त, त के आ की मात्रा तो ता, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, चीता। बोलो चीता, चीता, चीता बोलेंगे है ना। चलो फिर से लिखते हैं हम, च लिखेंगे पहले, च के बड़ी की मात्रा फिर ये त, त के आ की मात्रा फिर ये, तो क्या बन गया ये, चीता। इसको क्या पढ़ा जाएगा, चीता। चलो फिर से मैं एक बार लिखती हूँ है ना,
ये मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे च, च के बड़ी की मात्रा तो ची, ये ता तो के आ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम चीता। ओके चलो हम दूसरा देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये तो दीपक है। हम मंदिर में भगवान के आगे दीपक करते हैं और दीपावली आने पे तो हम पूरा घर ही दीपक से सजाते हैं, है ना। हम कोई रंगोली बनाते उसके भी हम दीपक रखते हैं उसके आसपास। देखो बच्चों क्या लिखा गया है, देखो द के बड़ी की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे दी, इस प पे मात्रा है नहीं तो प फिर क, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको दीपक, क्या पढ़ेंगे हम दीपक, है ना। चलो फिर से हम देखते हैं, ये मैंने लिखा द, द के बड़ी की मात्रा तो दी, ये प फिर ये क, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम दीपक, क्या पढ़ा जाएगा ये दीपक, दीपक। चलो फिर से हम लिखते हैं, ये द, द के बड़ा की मात्रा बड़ी ई की मात्रा दी प क, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम दीपक। ओके चलो हम दूसरा देखते हैं अब हम। अरे ये क्या है, ये चित्र किसका है चलो बताओ। पानी में रहती क्या है, मछली। मछली जल की रानी है, मतलब मछली जल में ही रहती है और बाहर निकालते तो क्या होता है वो मर जाती है, क्यों तड़प जाती है, उसको पानी में ही रहती है वो। तो देखो बच्चों ये क्या लिखा गया, हमने चिका ना आगे लिखना मछली, मछली क्या पढ़ा जाएगा इसको मछली, कैसे लिखेंगे हम मछली को, तो देखो म, फिर मैंने लिखा यहाँ पर छ, फिर ल के बड़ी की मात्रा तो ली, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा मछली। ओके तो देखो तीन शब्द यहाँ पर लिखे हुए बच्चों, चीता दीपक मछली, तीनों ही लिखना सीखे। चलो हम आगे देखते हैं हमारे आगे वाले पेज में क्या दिया गया है। देखो बच्चों हमने पहले आज क्या किया बच्चों, हमने पहले 25 पेज नंबर पढ़ लिया, अब हम 24 पेज नंबर पढ़ रहे हैं। ओके तो देखो ये क्या है, घड़ी, घड़ी होती है ना, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है घ ड में बड़ी की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम डी, तो क्या पढ़ा जाएगा घड़ी, कैसे लिखेंगे हम घड़ी को, तो देखो बच्चों ये मैंने लिखा घ फिर ड के बड़ी की मात्रा तो डी, तो क्या पढ़ेंगे इसको घड़ी। चलो फिर से हम लिखते हैं घ फिर ड के बड़ी की मात्रा डी, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम घड़ी, घड़ी। ओके चलो फिर हम देखते हैं ये किसका चित्र है, इमली है ये, क्या ये इमली, खट्टी खट्टी लगती है, इमली की चटनी भी आपको अच्छी लगती है। तो देखो इसमें ये कौन सी ई है बच्चों, छोटी ई, इमली, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम इमली। देखो ये लिखेंगे हम ई म ली, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको हम इमली, इमली, इमली। ओके चलो फिर से देखते हैं हम, ई म ल के बड़ी की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको इमली। फिर ये किसका चित्र है, हाथी है ना, तो देखो बच्चों ह में आ की मात्रा तो हा, थ में बड़ी की मात्रा तो थी, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम हाथी। ओके तो हमने कितने शब्द पढ़े, देखो पहले चीता दीपक मछली घड़ी इमली हाथी। तो बच्चों पेज नंबर 24 और 25 दोनों को अच्छी अच्छी राइटिंग से अपनी किताब में लिखना है। ओके तो आज हमने ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े, अगले वीडियो में हम ई की मात्रा वाले वाक्य पढ़ेंगे। ओके बच्चों आप वीडियो को देखना समझना और अपनी किताब में अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना। ओके बाय बाय।